मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। अरे देखो 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 सारे देखो, मेरे सामने ये कैसे गिड़गिड़ा रहा है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं जानबूझकर आपके मार्ग की बाधा नहीं बना, मैं तो सिर्फ उस बच्चे को बचाने के लिए है ना। यही ना है? सही कह रहा हूँ ना मैं? ये जान देना, जान बचाना, ये सब तुम जैसे लोगों का काम है क्या है? ये सब तो राजा का काम होता है, पर समस्या ये है, अगर प्रजा राजा का काम करेगी तो कैसे चलेगा? सर्वनाश सर्वनाश, प्रलय आएगी देखना। मुझे छोड़ दीजिए महाराज, मुझसे भूल हो गए, मुझे जाने दीजिए। सिपाहियों, इस बच्चे को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। महाराज महाराज दया कीजिए, मुझे फांसी मत दीजिए महाराज, मुझे फांसी मत दीजिए, मुझे मत मारिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। रुक जाओ, ये बालक मुझसे क्षमा मांग रहा है। मैं दयावान राजा हूँ, क्षमा किए बिना कैसे रह सकता हूँ मैं। सुनो, मैं तुम्हारी मृत्यु दंड की सजा माफ करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। रुको, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारी भूल माफ की है, सजा नहीं। जल्दी करो, मेरे राघव हाथी को यहाँ लेकर आओ। दया कीजिए महाराज, मुझ पर दया कीजिए महाराज। राघव, ये बालक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम इसे दौड़ाकर हमारे राज्य से बाहर निकाल दो, और ये देरी करे तो इसे पैरों के नीचे कुचल देना। जाओ। और इसके बाद से मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। रो मत ना, आज से हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, हम लोग मिलकर तुम्हें उस मुसीबत से छुटकारा दिलाएंगे। सिर्फ मुसीबत से छुटकारा ही नहीं, पहले उस मूर्ख राजा को सबक सिखाना होगा। बंटी भैया, उससे पूछो तो कि उसका गांव कहाँ है। बादल, हम लोग एक बार तुम्हारे गांव चलना चाहते हैं, तुम एक बार हम लोगों को अपना गांव दिखा सकते हो क्या? हाँ, जरूर दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम लोग वहाँ जाकर करोगे क्या? तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। वो रहा मेरा गांव, लेकिन मैं अंदर नहीं जा सकता, तुम लोग जाओ संभल के, महाराज बहुत गुस्से वाले हैं। अब देखते हैं महाराज के गुस्से से क्या होता है। ठीक है फिर, तुम यहीं पर रुको, हम लोग अंदर जाते हैं। पूरे गांव के कपड़े यहीं पर धोए जाते हैं। नहीं रे गोलू, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, एक बार आसपास तो देख,
यहाँ पर जितने कपड़े सूख रहे हैं वो सब पुरुष के ही हैं, वो भी एक ही नाप के हैं। सही कहा तूने भूतू, और साधारण तो है ही नहीं, ये कपड़े बहुत महंगे लग रहे हैं। गांव के सीधे साधे लोग ये सब पहनावा पहन ही नहीं सकते। वो देखो, उन लोगों से एक बार तुम्हें जाकर पूछना चाहिए। अरे काका, काका। कौन हो तुम लोग, तुम्हें क्या चाहिए? हम चारों दोस्त हैं, हम लोग तुम्हारा गांव देखने आए हैं। तुम सब लोग यहाँ हो, कोई उत्सव है क्या? कहाँ, कोई उत्सव नहीं है। तो फिर इतने सारे कपड़े किस लिए? ये सब हमारे महाराज के कपड़े हैं, हर रोज ऐसे ही धोए जाते हैं। अच्छा, ये सब कपड़े महाराज के हैं? तुमने देखा गोलू, महाराज कितने सज धज के रहते हैं। सही कहा, हमारे पूरे गांव के लोगों के कपड़े इकट्ठा करके भी इतने सारे कपड़े नहीं होंगे। अब मेरे दिमाग में महाराज को मजा चखाने के लिए एक तरकीब सूझी है। क्या करेगी भूतू? समय आने पर पता चल जाएगा। पहले काम करो, मुन्नी और बंटी भैया यहाँ पर खड़े रहकर बातें करो, और तुम लोग मेरे साथ चलो। गोलू, तुम लोग इस कपड़े को एकदम खींच के पकड़ो तो जरा। लेकिन तू करेगी क्या? चित्रकारी करूँगी। अकड़म बकड़म मकड़म। बहुत अच्छा विचार है, इससे राजा को बहुत अच्छा सबक मिलेगा। ठीक है, मेरा काम खत्म। चलो अब मैं उस तरफ जाकर देखती हूँ, और बंटी भैया को बुलाओ तो। बंटी भैया, मुन्नी, चलो यहाँ से। महाराज, महाराज। चुप, बेवकूफो, तुम्हें पता है उन कपड़ों की क्या कीमत है? तुम लोगों का सब कुछ बेचकर भी वैसा एक कपड़ा भी नहीं खरीदा जा सकता। हम लोग सच कह रहे हैं महाराज, हमने कोई रंग नहीं लगाया है। हम लोग क्यों बेकार में आपके कपड़े खराब कर देंगे? हम लोगों का तो काम ही है आपके कपड़े साफ करना। बहुत हुआ, बहुत हुआ, बकवास बंद करो अब तुम। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे जैसे गरीबों के मन में सिर्फ जलन भरी होती है। नहीं महाराज, नहीं, ये सब हमने नहीं किया है। इन सब को पकड़ कर ले जाओ, जाओ कमर में रस्सी बांध कर गांव के बाहर पेड़ पर लटका दो इन सब को। ले जाओ इन्हें, बहुत दिनों तक इन्होंने धूप में कपड़े सुखाए हैं, अब इन लोगों के सूखने की बारी है। जाओ, जाओ। चल चल जल्दी, चल चल। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं। ये क्या, ये सब लोग तो धोबी हैं, इन लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? चलो मैं इनका पीछा करता हूँ। अब समझे तुम लोग, महाराज के कपड़े खराब करने का नतीजा क्या होता है? तुम लोगों का इतना बड़ा साहस कि महाराज के कपड़ों पर रंग लगाकर उन्हें खराब कर दिया, इतना साहस तुम लोगों का? ये सब क्या कह रहे हैं ये सिपाही, भला धोबी ऐसा काम क्यों करेंगे? सच कह रहे, हम लोग सच कह रहे हैं। चार बच्चे आए थे हमारे पास, हमने सिर्फ उनसे बात की और कुछ नहीं किया हमने। चुप रहो, तुम्हारी बातें सुनकर हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग बस राजा के आदेश का पालन कर रहे हैं, बस हो गया। चलो 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 भाई, दोपहर का खाना खाकर आते हैं।